इमेजिन करो कि तुम माइनक्राफ्ट के बहुत ज़्यादा बड़े प्रो प्लेयर हो, तुम्हारे पास डायमंड और नेदराइट का फुल्ली इंचेंटमेंट, पूरा आर्मर, टूल्स वगैरह सब कुछ है। तो मुझे ये बताओ, इतना सब कुछ तुम्हारे पास होने के बाद भी अगर तुम्हारे सामने अचानक से अगर वीदर आ जाए तो तुमको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इतना कुछ फर्क तुमको नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसी की जगह तुम्हारे सामने अगर एंडर ड्रैगन आ जाए तब भी तुमको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा ओपी आर्मर और टूल्स है, तुम बहुत आसानी से एंडर ड्रैगन को आप मार सकते हो। चलो छोड़ो, ये लोग तो बच्चे हैं, इनसे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सोचो तुम्हारे सामने हीरो ब्राइन, नल, ग्रीन स्टीव, रेड स्टीव सब एक साथ आ जाए तब ये क्या बात करते हैं यार? तब तो जो ओपी आर्मर तुम्हारे पास है वो भी तुमको नहीं बचा पाएगा। बात तो सही है। सो हेलो व्हाट्सअप भाई लोग, क्या हालचाल, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो आज के वीडियो में आप लोग को 3 मॉड देने वाला हूँ। क्या इतना कम? अरे यार तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो, इन्हीं 3 मॉड्स में आपको 10 से ऊपर एंटिटीज माइनक्राफ्ट के देखने के मिल जाएंगे। तो चलिए फालतू बातों को रखते हैं साइड में और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1 पे जो मॉड है इसमें आपको बेसिकली 4 आपको एंटिटीज देखने को मिलेंगे। बेसिकली आपको इसमें हीरो ब्राइन, एंटिटी 303, एंटिटी 404 और आपको नल देखने को मिलेगा। अब देखो, नो डाउट ये चारों ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंटिटीज है। देखो इस मॉड में आपको एक नल का डुप्लीकेट देखने को मिलेगा, बेसिकली ये एक फेक नल है। आप इसके आसपास जा सकते हो, ये को बेसिकली डैमेज नहीं करेगा, लेकिन फेक और ओरिजिनल वाले में आप फर्क कर पाओगे तभी इसके आसपास जाना, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल वाले के पास चले जाते हो तो वो आपको एक ही हिट में मार देगा। अब देखो इन चारों एंटिटीज का डेड है हीरो ब्राइन, ठीक ना। अगर आप हीरो ब्राइन के साथ अगर आप एंटिटी 303 को स्पॉन कर दो तो वो लोग एक दूसरे से फाइट नहीं करते हैं। अब भाई एंटिटी 303 भी जानता है, अगर बाप के साथ अगर वो जाकर बाप को उंगली करेगा तो उसका बाप उसका क्या हाल करेगा। और सेम एंटिटी 404 के साथ भी, अगर आप उसको भी हीरो ब्राइन के साथ अगर आप स्पॉन करते हो तो वो भी कुछ हीरो ब्राइन को नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप उसी की जगह एंटिटी 303 और एंटिटी 404 को स्पॉन कर देते हो तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर TNT का बरसात कर देंगे, बिजली विजली वगैरह गिरा देंगे, पूरा अगल बगल पूरा जगह डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर आप इनके आसपास जाते हो, अगर जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपके ऊपर भी TNT गिर सकता है, आपके ऊपर भी थंडर स्ट्राइक हो सकता है। और अगर ये दोनों आपके घर के पास लड़ रहे हैं तो भाई तब भूल जाओ, आपका घर खत्म हो चुका है, अब आप दूसरे जगह जाके घर बनाओ। देखो जो ओरिजिनल वाला नल है उसके पास एक बहुत ही सही एबिलिटी है, वो चाहे तो वो अपना क्लोन्स भी बना सकता है। और अब बात करते हैं इन तीनों के डेड के बारे में, जो कि है हीरो ब्राइन। कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो में मैंने देखा है कि हीरो ब्राइन्स बस उनको दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे, उनको कुछ करेंगे नहीं, या फिर पास भी आएंगे तो इतना हल्का हल्का डैमेज देंगे जिससे उनका 3 से 4 हट ही जाएगा। लेकिन भाई ये हीरो ब्राइन इतना ज्यादा डेंजरस है कि अगर आप इसके आसपास चले जाते हो तो आपके पास ऑलमोस्ट 10 से 15 TNT एक ही बार में स्पॉन कर देता है। और अगर वो आपके आसपास फटा तो आप इतना दूर जाके गिरोगे तो और बचने का तो कोई संभावना ही नहीं है। और हाँ, ये हीरो ब्राइन आपको बहुत दूर से भी देख सकता है, पलक झपकते आपके आसपास टेलीपोर्ट हो जाएगा और आपके पीछे TNT स्पॉन करके फिर से टेलीपोर्ट होकर दूर चला जाएगा। इसलिए अगर आप इसके वर्ल्ड में खेल रहे हो तो थोड़ा सावधान रहना, आगे पीछे नजर रखना। अब देखो जो नंबर 2 पे मैं मॉड आपको देने वाला हूँ, उस मॉड में आपको जायंट एलेक्स देखने को मिलेगा। अब जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं, जायंट एलेक्स बेसिकली आपके औकात से भी बड़ा मॉब होता है जिसको आप बहुत दूर से देख सकते हो, और उसके पूरे शरीर पे आपको जुबा केसरी लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। बोलो जुबा केसरी। अगर आप इसके आसपास जाते हो तो ये आपको ब्लाइंडनेस का इफेक्ट दे देगा और 1 से 2 हिट में बहुत ही इजीली आपको मार देगा। नंबर 3, नॉर्मली आपने बहुत सारे ऐसे एंटिटीज देखे होंगे कि जो कि नॉर्मली ओवरवर्ल्ड पे राज करते हैं, वो लोग ओवरवर्ल्ड के राजा हैं। तो क्या आपको पता है कि नेदर का राजा कौन है? जो एंटिटी बेसिकली नेदर पे राज करता है उसको हम लोग कहते हैं रीपर, ठीक ना, जो कि नॉर्मल सनलाइट में आता नहीं है, नॉर्मल सनलाइट से उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो ज्यादातर नेदर में पाया जाता है। और अगर आप किसके सामने जाते हो तो ये आपको सीधा आसमान में उड़ा देगा और नीचे गिरा के आपको मार देगा। अगर आप माइनक्राफ्ट के एंटिटी लिस्ट को देखते हो तो सबसे ऊपर हीरो ब्राइन आता है, 2nd नंबर के एंटिटी 303 आता है, 3rd नंबर पे नल वगैरह आता है, और ऐसे ही आप सीधा 1 किलोमीटर नीचे चले जाओगे तो उसके बाद आपको रेड स्टीव और ग्रीन स्टीव भी दिख जाएगा। नॉर्मली ये लोग ग्रीन और रेड कलर के होते हैं, हवा में भी उड़ सकते हैं और आपके ऊपर एरोस से अटैक करेंगे। अब देखो इससे पहले जो मैंने रीपर के बारे में बताया था, तो इस मॉड में आपको रीपर का डेड भी देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली गॉड रीपर है। नॉर्मल रीपर से थोड़ा ज्यादा पावर गॉड रीपर के पास होता है,
गॉड रीपर को सनलाइट वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता है और ये जहाँ से चलना शुरू करता है वहीं से रास्ता बन जाता है। और मतलब सिंपल भाषा में बोले तो ये ब्लॉक वगैरह तोड़ते हुए सीधा आगे जाता है। अब देखो जैसे नॉर्मल हीरो ब्रायन होता है जो कि स्टीव का स्किन पहनता है, और इस मोड में आपको एक एलेक्स ब्रायन भी देखने को मिलेगा जो कि एलेक्स का स्किन पहनेगा। पावर ऑलमोस्ट दोनों के सेम है, बस स्किन अलग है। अब देखो माइनक्राफ्ट का जो क्रिएटर है नॉच, उसका भी एक एंटिटी गेम में आता है जो कि इस मोड में आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल नॉच का स्किन होगा और हीरो ब्रायन जैसे इसके भी आंखें गायब होंगी। अगर आप इस एंटिटी को मार देते हो तो ये आपको लिटरली 400 XP देगा, लेकिन बात मानो इसको मारना लिटरली आसान नहीं है। तो आज का वीडियो बस इतना है, उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपके पास कोई मस्त सा टॉपिक है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको बहुत ही जल्दी एक नए तड़कते भड़कते वीडियो के साथ, तब तक के लिए मौज मस्ती करते रहिए। गुड बाय। Come to the dark side.